मैं कुमार भाई को सागर को बुलाना चाहता हूं। कहीं कुछ यूं कहा जाता है, कुछ या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, शिवमर हमारे बड़े कवि उन्होंने कहा है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई कुमार सागर। सर्वप्रथम माँ वीणावादिनी को प्रणाम करता हूँ, माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हम मैं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चाहता हूँ कि आप हाथ उठाकर मुझे आदेशित करें कि मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। और काव्य पाठ की शुरुआत में मैं भारत माँ की वंदना से करना चाहता हूँ कि करेगा अब जो देशद्रोह, करेगा अब जो देशद्रोह सर कलम हम कर देंगे, करेगा अब जो देशद्रोह सर कलम हम कर देंगे। माँ भारती के चरणों में काट सीसा हम धर देंगे, माँ भारती के चरणों में काट सीसा हम धर देंगे। और अब की बार दया नहीं, अब की बार दया नहीं, सब गारत हम कर देंगे। और सिंधु नदी के आर पार, सिंधु नदी के आर पार सब भारत हम कर देंगे, सिंधु नदी के आर पार सब भारत हम कर देंगे। और आए जो नापाक इरादों से, आए जो नापाक इरादों से, आए जो नापाक इरादों से वो अपनी जान गवाएंगे। और भारतीयों के तेज के आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे, भारतीयों के तेज के आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे। और देशभक्त जवानों की राहों में, देशभक्त जवानों की राहों में हम फूल ही फूल बिछा देंगे, देशभक्त जवानों की राहों में हम फूल ही फूल बिछा देंगे। और देशद्रोहियों की अब खैर नहीं, देशद्रोहियों की अब खैर नहीं, हम उनकी लाश बिछा देंगे, हम उनकी लाश बिछा देंगे। बहुत अच्छा। भारत माता की, आप लोग शमशान भूमि में नहीं बैठे हैं, आप लोग राष्ट्र आराधन के आह्वान पे, राष्ट्र आराधन के मंच के सामने बैठे हैं, उसके सम्मान में बैठे हैं। तो एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत अच्छा। इंकलाब, 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 वंदे वंदे वंदे। और राजनीति वाले जो है, सभी राजनीति वाले एक से नहीं होते। कभी कोई कहता है छोड़ दो, किनको वेतन मिलता है शहादत के लिए, इनको वेतन मिलता है शहादत के लिए, बिहार के किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता ने कहा था। मैं कहता हूं किसी राजनीतिक व्यक्ति के परिवार में उसके रक्त में वो उबाल हो तो राजनीति को वंशगत राजनीति का मोहरा न बनाए, अपने रक्त में वो उबाल पैदा करे कि उनका बेटा जाके सीमा पर रक्षा करने की हिम्मत जुटाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम देंगे उन्हें वेतन, हम देंगे वेतन, वो जाके शहीद होके दिखाए। बहुत अच्छा। तब मैं राजनीति वालों से कहना चाहता हूँ, सेना पर राजनीति करने वाले, सेना पर राजनीति करने वाले राजनीति के अनुगामी सुन लो, सेना पर राजनीति करने वाले सेना राजनीति के अनुगामी सुन लो। रे नीच, रे नीच अदम कामी अहंकारी अभिमानी सुन लो, सेना पर राजनीति करने वाले राजनीति के अनुगामी सुन लो। रे नीच अधम कामी अहंकारी अभिमानी सुन लो। जो शौर्य जानना है सेना का, जो शौर्य जानना है सेना का, एक रात सीमा पर आकर जागो तुम। जो शौर्य जानना है सीमा का, जो शौर्य जानना है सेना का, एक रात सीमा पर आकर जागो तुम। युग बैठ कर दिल्ली वाले महलों में, युग बैठ कर दिल्ली लखनऊ वाले महलों में हमसे राष्ट्रभक्ति के सबूत न मांगो तुम। युग बैठ कर दिल्ली वाले महलों में हमसे राष्ट्रभक्ति के सबूत न मांगो तुम। गड़फिरा दिमाग जवानों का, जवान बहुत अड़भंगी होते हैं, अगर दुश्मनों का सर काट सकते हैं तो देश में पढ़ने वाले, संसद भवन में पढ़ने वाले दुश्मनों का सर भी धड़ से अलग कर सकते हैं। बहुत अच्छा। गड़फिरा दिमाग तो कुछ
गोले बारूद दिल्ली वाले महलों में भी दागेंगे। गर फिरा दिमाग तो कुछ गोले बारूद दिल्ली वाले महलों में भी दर देंगे। फिर बिना कहे फिर सारे सबूत मांगने वाले, फिर बिना कहे सारे सबूत मांगने वाले अपने अपने बिस्तर गंदे कर देंगे, अपने अपने बिस्तर गंदे कर देंगे। चार लाइनें पढ़कर अपने अपना स्थान लूंगा। आप लोगों को कविता भी दिया। अच्छा, सागर कुमार भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिएगा गला बता रहा है कि कितनी मेहनत की होगी, एक बार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। धरा भी बेच देंगे गगन भी बेच देंगे, धरा भी बेच देंगे गगन भी बेच देंगे। ये खादी वर्दी वाले, ये खादी पहनने वाले, धरा भी बेच देंगे गगन भी बेच देंगे, ये खादी वाले सारा चमन भी बेच देंगे। इनकी चाल को जो न समझेगा तो दिल्ली वाले शहीदों के कफन भी बेच देंगे, दिल्ली वाले शहीदों के कफन भी बेच देंगे। भारत माता की जय हिंद, जय भारत।